19 की परीक्षा में बैठे थे। राज्य में हमारे जिले का स्थान चौथा प्राप्त हुआ है। आज हम सभी मिलकर यह प्रयास करें कि हम राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। और एक महत्वपूर्ण बात जो संस्कृति मंडल की आदरणीय भाई साहब ने कही कि जिन स्कूलों में परीक्षा संपन्न होती है उन विद्यालयों में संस्कृति मंडल का गठन होना चाहिए। एक विशेष बात और कहना चाहूँगा मैं कि हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी बघेल, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कभी ये सोच नहीं सकते थे कि हमारे शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हो सकती है। आपने एक योजना चलाई कि संस्था के सभी शिक्षक या और जन सहयोग जुटा करके एक एलईडी टीवी स्कूल में कैद करें और एक कक्ष कम से कम स्मार्ट क्लास का बनाएं, और उसमें विशेष उपलब्धि सिवनी जिले को हासिल हुई और प्रदेश स्तर में एक हमारा जिला उभर करके आया, जिसमें लगभग सब प्रयासों के लिए आपको राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से भी सम्मानित सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा चुका है। ऐसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के इस पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं अरुणाचल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री आर एस अग्रवाल जी, हमारे बीच उपस्थित हैं नवोदय विद्यालय की प्राचार्य महापात्रा मैडम, एक्सीलेंस प्रचार श्री गौतम जी, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, गणमान्य नागरिक का। ये पहली ऐसी परीक्षा है जिसको शासन से मान्यता दी गई है और पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जाम होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनको हम भारतीय संस्कृति से परिचित कराएं, अधिक से अधिक बिठाने का उद्देश्य भी यही होता है। मेरी परिवार के लोगों से बात होते रहती है तो वो हर साल यही अपेक्षा करते हैं कि सर अपने जिले में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, बैठें और भारतीय संस्कृति को पहचान सकें, उसके बारे में जान सकें। और उसका जैसे अभी प्रतिवेदन पढ़ा रहंगारे जी ने तो बताया कि आप सब लोगों के प्रयास से, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं प्राचार्यों के प्रयास से ही ये संभव है कि हमने 27,000 बच्चे और इस परीक्षा में बिठाया। इसका उद्देश्य मतलब ये था कि हम 27,000 बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा सकें और उनके माध्यम से उनके परिवार और उनके छोटे भाई बहनों को भी हम इसमें जोड़ सकें। आने वाले समय में ही 5 नवंबर को यह पुनः इस वर्ष भी आयोजित होगी। कोरोना काल के कारण 2 वर्ष नहीं हो पाई परीक्षा, तो इस वर्ष भी हमें प्रयास यही करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें सहभागी बनाए। मामूली शुल्क में भारतीय संस्कृति के बारे में विचार हैं, जो साहित्य है वो भी उपलब्ध कराया जाता बच्चों को, और उसी के आधार पर फिर प्रश्न पत्र आते हैं, उसी में बच्चे प्रश्नों को हल करके और प्रतियोगी परीक्षा में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे समय में बहुत जरूरत है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचान, क्योंकि जब हम लोग कम शिक्षित थे तब हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे और वहाँ हमारे वृद्ध माता पिता दादा दादी जो भी होते थे एक संयुक्त रूप से सारे छोटे से बड़े लगाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे और एक खुशहाल परिवार रहता था। लेकिन जब आज हम शिक्षित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, भौतिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, कई ऐसे किस्से हमें वहाँ इन चीज़ों नकारात्मक चीज़ों में ज़्यादा आगे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आपको ये भी ज्ञात होगा कि लगभग हमारा देश 1,000 साल होता है, विदेशी आक्रांताओं में हमारे देश को लगभग 1,000 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 1,000 साल में तो कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, कई देश नष्ट हो गए, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के बल पर आज भी खड़ा है और आज भी दूसरे देशों से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति के कारण है। तो हमको अपनी संस्कृति को पहचानना, जानना, उसको मानना ये बहुत आवश्यक है। चाहे हम कितनी प्रगति कर लें, लेकिन यदि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे या संस्कृति से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमें कहीं उसमें शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि हमें शांति चाहिए, अमन चैन की चाहिए, तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ें। और मैं आज पुनः सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जितने भी मतलब स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, सब लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें बिठा लें ताकि वो अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकें और हम अपनी संस्कृति को जान सकें, पहचान सकें और उसमें जी सकें और अपने परिवार को और अपने देश को खुशहाल बना सकें। ऐसी मेरी कामना है। आप सभी लोग इसमें निश्चित रूप से समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे और हम चाहे एक प्रतियोगी परीक्षा की अकेली बात नहीं, हम चाहे जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जिस विभाग में भी काम कर रहे हैं, जिस मोहल्ले में पड़ोस में रह रहे हैं, वहां भी हर व्यक्ति को अपनी भारतीय संस्कृति को के ध्वज वाहक के रूप में आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तभी हम अपनी संस्कृति को अक्षुण रख सकेंगे, बचाए रख सकेंगे और इस देश को जो विश्व गुरु हुआ करता था उस पदवी पर उन्हें लाकर स्थापित कर सकेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।